असलम डियर स्टूडेंट सोप यू आल आर फाइन सो टूडे वी आर गोइंग टू अटेम्प क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ एक्सरसाइज फाइव ए सो स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन कि आपके पास एक पीस ऑफ वायर है ठीक है जिसकी लेंथ कितनी है वन फोर्टी फोर सेंटीमीटर लॉन्ग लिखा हुआ है मीन उसकी लेंथ है अब क्या किया, किया है कि इस पीस ऑफ आयर को बेंट किया गया है इस तरह से बेंट किया गया है कि आपके पास ये सेमी सर्कल बन रहा है ठीक है यानी हाफ सर्कल फाइंड द डाया मीटर ऑफ द सर्कल हमने इस फिगर का डाया मीटर फाइंड करना है ठीक है और आंसर आपने देना है जी मीटर्स में और आगे आपको एक पाई की वैल्यू अब डाया क्या है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ठीक है सो so, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन है ये पाई की वैल्यू जो है आपको गिवन है इस क्वेश्चन में ठीक है आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इजी हो जाता है जब उसका आप माइंड में एक स्केच बना लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है ठीक है सो so, ये फिगर जो है वो आपके सामने है हमने डायमीटर फाइंड करना है अब थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं जैसे एक वायर है ठीक है इसकी जो लेंथ है ना वो वन सेंटीमीटर है ठीक है हमने क्या किया इस वायर को यूँ बेंट कर दिया ठीक है इट्स अ सॉफ्ट अगर एक हार्ड वायर हो तो इजीली बेंट हो जाएगी इसको हमने इस तरह से बेंट किया कि ये इस तरह सेमी सर्कल बन गया ठीक हमने अब क्या करना है कि डायमीटर यानी कि आपके पास डायमीटर क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास डायमीटर है ये आपने जो है फाइंड करना है ठीक तो सर्कल की प्रॉपर्टी से आप को पता है आप वाकिफ हैं तो हम उसी को कन्वर्ट करेंगे सेमी सर्कल में ठीक है सेमी सर्कल मीन हाफ सर्कल सो स्केच हम बना लेते हैं इसका अच्छा जी लेंथ ऑफ वायर आपको गिवन है जो कि है वन फोर्टी फोर सेंटीमीटर ठीक है दिस इज द दिनफॉर्मेशन विच वी हैव बीन गिवन बेंड करने के बाद उसका डायमीटर हमने फाइन करने क्योंकि वो एक सेमी सर्कल बन गया है ठीक है अब जो इस आ, लेंथ है इस वायर की ठीक है उसको हम सरकम कहेंगे ठीक है यानी कि सरकम इस जो सेमी सर्कल का है वही वो लेंथ ऑफ द वायर है ठीक है हमारे पास सरकमफ्रेंस क्या होता है बाउंड्री का जो मेयरमेंट होती है ठीक so, है सो वो सरकमफ्रेंस है यानी अगर हम यहाँ बात करें लेंथ ऑफ द वायर या हम इसको बोलें सरकम ऑफ द सेमी सर्कल तो एक ही बात है ठीक है अच्छा सो so डायमीटर आपने फाइंड करना है अब हम करेंगे क्या हम ये करेंगे कि हम एक फार्मूला बनाएंगे ठीक है टू फाइंड द डायमीटर अब सर्कल से आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज़ आपको बताएँगे जो सर्कल होता है इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है यानी बाउंड्री जो होती है दैट इज़ इक्वल टू पाई डी ठीक है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर अगर हम दें तो सरकमफ्रेंस पाई डी होता है अब ये सेमी सर्कल है सेमी सर्कल है तो इट्स मीन के हाफ सर्कल है यानी जो सर्कम आपके पास यानी बाउंड्री की जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगी सो वी विल डू इट लाइक पाई डी बाई टू ठीक हो गया अब इस पूरी फिगर की बात करें तो ये तो हो गया जी पाई डी यहाँ से यहाँ तक पाई डी बाई टू ठीक है पाई डी बाई टू ठीक है अब ये जो डाया ये डाया मीटर है ठीक है तो ये भी जो इस फिगर में इंक्लूड है जो हमने फाइंड करना है तो ये इसमें हम ऐड कर देंगे यानी अब हमने पूरी फिगर की बात कर ली ठीक सो इट विल बी पाई डी बाई टू प्लस टी ठीक है क्योंकि ये हमारे पास डाया मीटर था ये हमने एक पूरी फिगर का फार्मूला जनरेट कर लिया सो so, सरकमफ्रेंस हमें गिवन है वो जो लेंथ ऑफ द वायर थी वही सरकम था एज़ ऑलरेडी आई टोल्ड यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे वन ठीक है अब आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम डी कॉमन ले लें ठीक है डी यहाँ से कॉमन आ रहा है तो डी हम इसको इस तरह से लिख लेंगे तो इन साइड आपका रह जाएगा यहाँ पे पाए बाय टू और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा वन बिकॉज दैट डी वी हैव टेकन कॉमन तो वहाँ पे आपके पास उस प्लेस पे वन आ जाएगा ठीक है क्योंकि उसकी प्लेस तो वहाँ रहेगी ना कॉमन हमने डी ले ली अब यहाँ से इजीली आप डायमीटर फाइंड कर सकते हैं ठीक है पाए बाई टू बाई प्लस वन अब डी एज इट इज़ पाई की वैल्यू आपको गिवन है ट्वेंटी टू बाई सेवन अगर आप ट्वेंटी टू बाई सेवन को डिवाइड करके भी लिखेंगे देन ऑल्सो इट्स करे टू आप डिवाइड करते हैं थ्री पॉइंट वन फोर आता है और अगर आप ट्वेंटी टू बाई सेवन लिखते हैं पाई की जगह पर तो वह भी ठीक है पाई की प्लेस पर हमने लिख दिया ट्वेंटी टू बाई सेवन तो वो टू तो जो है डीनोमिनेट होता तो है एज इट इज़ आएगा ठीक प्लस वन यहाँ से सिर्फ इसकी ना सिंप्लीफिकेशन है यानी मेन आप काम कर चुके हैं वो पाई डी प्लस टू पाई डी बाई टू प्लस डी वन अब यहाँ से uh, कर लेते हैं ये जो टू है ये आपका सेवन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज टू हमारा ट्वेंटी टू बाई सेवन से डिवाइड हो रहा है सो इट विल बी फोटीन प्लस वन ठीक हो क्या अब इसकी कटिंग कर लेते हैं टू uh, के टेबल से टू वन टाइम्स टू टू वन टाइम्स टू एन टू सेवन आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट लेफ्ट इज एलेवन बाई सेवन प्लस वन अब ये एलेवन बाई सेवन प्लस वन के सल्व होगा बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम ठीक हमने वन लगा लिया डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर सेम करके यानी कि एल सी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया तो हर एटीन बाई सेवन आ गया ठीक सो so, यहाँ पे इन साइड ब्रैकेट आपके पास आ गया एटीन बाई सेवन लाइक एन ए यू कैन ईजीली सॉल्व एट नाउ सेवन जो है वो यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ वो डिवाइड हो जाएगा ठीक है सो so, ये आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया हम क्या करेंगे जी हम करेंगे वन फोटी डिवाइडेड बाई एटीन सो इट विल गिव यू फिफ्टी ठीक है 56 सेंटीमीटर में आएगा आपके पास बिकॉज आपको लेंथ ऑफ द वायर जो थी वो सेंटीमीटर में गिवन थी बट इन द क्वेश्चन दे आर डिमांडिंग दैट कि आप आंसर जो है वो निकालें मीटर्स में तो कोई मुश्किल नहीं है करना हमने क्या है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कैसे होता है रिकॉल करें इसको सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो so हम स्मॉलर यूनिट टू बी कर जाएंगे तो वी विल डिवाइड इट बाय हंड्रेड ठीक है सो so सिंपली हम फिफ्टी सिक्स को डिवाइड कर देंगे हंड्रेड से सो यू विल गेट ज़ीरो पॉइंट फाइव सिक्स मीटर बिकॉज हमने इसको कर लिया है जी कन्वर्ट ठीक है सो so, ये आपके आ, आपके पास आ गया आंसर अब जरा इसको रिकैप कर लेते हैं हमें जी लेंथ ऑफ द वायर कि वन थी उसको हमने कर लिया बैंट तो बन गया एक सेमी सर्कल उसका हमने फाइंड करना है जी डाया मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ठीक है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अब जो हमने सेमी सर्कल को बेंट किया है तो हमारे पास जी सरकम फ्रेंस हाफ सर्कल बनाएं ठीक है तो सर्कल का जो सरकम फ्रेंस का फार्मूला होता है और सर्कम फ्रेंस क्या होता है बाउंड्री जो है उसकी मेयरमेंट तो उसका हमारे पास फार्मूलाता है पाई डी लेकिन यहाँ पे हाफ सर्कल है तो पाई डी बाई टू और ये डायमीटर पूरी फिगर की हम बात कर रहे हैं तो पाई डी उस बाउंड्री का और ये डी जो है वो आपके पास डायमीटर मीटर यहाँ से इजीली आप जो है वो उसकी वैल्यू जो पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ठीक है टू यहाँ सेवन के साथ मल्टीप्लाई का हो जाएगा तो ट्वेंटी टू बाई फोर्टीन और यहाँ से हमने कर ली है जी इसकी कटिंग और फिर ले लिया है जी एलसीम यानी डी नोमिनेटर्स हमने कर लिए हैं सेम और इजीली यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल आती है डाया मीटर की फिफ्टी सिक्स और फिर हमने कर लिया है उसको कन्वर्ट ठीक है सो so, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा इन नेक्स्ट वीडियोज रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़